नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकर टेप का आप यूज कैसे कर सकते हैं। एक ब्रीफ वीडियो होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें हम तेजी से आपको बताएंगे कि टिकर टेप का आप यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ से आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग तरह से और स्टॉक को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा जब आप ओपन होते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, या आप सर्च करना चाहते हैं तो किसी भी गूगल ब्राउजर में आप सर्च करेंगे टिकर टैप, यहाँ पर आपको खुल जाएगा। देखिए, टिकर टैप सेकेंड या फर्स्ट पे भी क्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो आपको निफ्टी 50 के मिल जाएंगे, जिसमें आज कितना परसेंट तेजी रहा, क्या उसका आज प्राइस है, वो सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिगो, ITC, मारुति, रिलायंस, देख सकते हैं इस तरह के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपको सर्च बार, इसमें आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें आप टाइप करेंगे, जैसे हम टाइप कर लेते हैं HUL, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, नीचे आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस स्टॉक को यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं, मतलब अपना एनालिसिस यहाँ इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी है। यहाँ पर देखिए, इसका प्राइस मिल जाएगा, फिर यहाँ पर इसका नाम, इसका सिंबल, ये सिंबल है, इस सिंबल से सर्च करेंगे कहीं पे भी तो ये स्टॉक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस आज कितना ऊपर या डाउन रहा, और फिर यहाँ इंटरेस्टिंग वैल्यू, रिटर्न जो है वर्सेस FD इस स्टॉक का कितना है, डिविडेंड रिटर्न कितना है, एंट्री पॉइंट क्या है, कोई भी मतलब इश्यू है स्टॉक में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा स्टॉक में तो यहाँ पर रेड फ्लैग में आपको वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो ओवरव्यू मिल जाएगा, आप ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस स्टॉक का या इस कंपनी का ओवरव्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे ये स्टॉक। फिर यहाँ पर फोरकास्ट देख सकते हैं, जो अपन डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट है उसका फोरकास्ट, फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं, पीएस देखते हैं, होल्डिंग देखते हैं, न्यू होल्डिंग में जाकर होल्डिंग देखते हैं कितना प्रमोटर्स का, म्यूचुअल फंड का, सबका होल्डिंग है, FIs का कितना है, DIs का कितना है। फिर न्यूज जो भी स्टॉक से उसको देख सकते हैं, इवेंट को देख सकते हैं, और अगर आप इसका प्रो वर्सन लेते हैं तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि लॉग इन कैसे करें, हमने प्रो वर्सन ले रखा है, तो यहाँ देखिए लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है, आप जो भी ब्रोकर में ईमेल आईडी दी है उसी ईमेल आईडी से परचेज करना है, फिर आप आराम से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए जीरोधा से हम लॉग इन कर लेते हैं, या गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं आप, ब्रोकर से नहीं तो यहाँ पर गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं। देखिए, अब हमारा लॉग इन पहले से हो गया था, यहाँ लॉग इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए किसी भी मतलब गूगल अकाउंट से भी, फेसबुक से भी, ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल पे क्लिक करते हैं तो गूगल से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी चूज करना है और फिर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो हमारा जो है वो जीरोधा से पहले से लॉगिन है, देखिए हमने जीरोधा पे से लॉगिन किया था इसलिए मेरा ये लॉगिन ले लिया, नहीं तो आप जैसे क्लिक करेंगे जीरोधा आएगा तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन आपका हो जाएगा। जिस तरह से मतलब ब्रोकर अकाउंट में जीरोधा हो, अपने स्टॉक हो, एंजल हो, जैसे लॉगिन करते हैं वैसे यहाँ पे भी लॉगिन करना है। अब यहाँ पर बात आ गई, लॉगिन तो हो गया, आपको जो प्रो वर्सन है वो दिखाएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब टारगेट है, जो फोरकास्ट है अर्निंग ग्रोथ का, रेवेन्यू ग्रोथ का, प्राइस फोरकास्ट का, वो सारी चीज़ दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सबसे मेन इसका चार्ट, यहाँ पर चार्ट आप आसानी से यूज़ करते हैं, वन डे का रिटर्न देखते हैं, वन वीक का, वन मंथ का रिटर्न देखते हैं, वन ईयर का देख सकते हैं, फाइव ईयर्स का देख सकते हैं, फिर मैक्सिमम ईयर्स का यहाँ पर रिटर्न आप देख सकते हैं किस स्टॉक ने मैक्सिमम ईयर में कितना रिटर्न दिया है। तो उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट मिल जाते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, जैसे बुक प्राइस और अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डिविडेंड यील्ड क्या है, सेक्टर का पी क्या है, सेक्टर का पीवी क्या है, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड क्या है। फिर यहाँ पर जो सजेशन है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट का वो मिल जाता है। फिर यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग जो प्रो पर्सन के लिए एक केबल है, प्राइस अपसाइड कितना मूवमेंट हो सकता है, अर्निंग ग्रोथ कितना हो सकता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोरकास्ट और रेटिंग है कितना परसेंट, लाइसेंस ने यहाँ फोरकास्ट और रेटिंग दिया है, इस पर कितना परसेंट बाइंग रिकमेंड है, 80%। फिर यहाँ कंपनी का जो प्रोफाइल है वो कंपनी के बारे में मिल जाता है, आप कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को देखते हैं कौन कौन से ब्रांड है कंपनी के, फिर यहाँ पीयर्स कंपैरिजन कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे आते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड देखने मिल जाएगा, जो यहाँ पर रेवेन्यू है ये 1000 करोड़ में है, फिर यहाँ प्रॉफिट जो वो 1000 करोड़ में है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है 6 मंथ में क्या चेंज हुआ है या नहीं, जो प्लीज परसेंटेज वो दिख जाएगा, फिर म्यूचुअल फंड का यहाँ पर होल्डिंग आपको दिखाएगा। तो ये इस तरह से आपको सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं फोरकास्ट में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फोरकास्ट है इस शेयर से रिलेटेड वो आपको देखने मिलेगा, जैसा कि पहले देखा 80% एनालिस्ट उसमें बाय रेटिंग देते हैं। फिर नीचे आते हैं प्राइस फोरकास्ट, तो कितना परसेंट हाई जाता है, कितना परसेंट लो जा सकता है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा।
फिर यहाँ प्रोवर्सन लेते हैं तो आपको रेवेन्यू फोरकास्ट देखने मिलेगा। तो अगर आप प्रोवर्सन लेते हैं तो लेकर के लॉगिन कर लेना है। हमने लॉगिन किया था, अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ मतलब इश्यू होगा। तो फिर यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, इसमें इनकम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल जो प्रॉफिट है कंपनी का, किस तरह से वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर आपको बैलेंस शीट देखने मिल जाता है, आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट में आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें मिल जाती है कि बैलेंस शीट में यहाँ देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हुआ है, इंडस्ट्री के कंपेयर में कितना है। फिर यहाँ पर करेंट रेशियो क्या है कंपनी का। फिर यहाँ पर करेंट एसेट मिल जाता है, करेंट लाइबिलिटीज़ मिल जाता है आपको। तो करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया, टोटल इक्विटीज़ हो गया, टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको देखने मिल जाता है। कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए नेट चेंज इन कैश आपको दिखा रहा है, फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो नेट चेंज है कैश में और फ्री कैश फ्लो कितना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। फिर पीस कंपेरिजन जैसा कि हमने पहले बताया वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप होल्डिंग देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, म्यूचुअल फंड का कितना है, जो FIIs का है वो कितना है, जो प्लीज परसेंटेज है प्रमोटर का वो कितना है। और यहाँ पर सारा जो आपको बार ग्राफ के द्वारा दिखाता है जो सारा होल्डिंग है किसी का भी, तो सारे होल्डिंग को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ न्यूज आ गया, आप इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है, कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें डिविडेंड आ गया, स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टिकर टेप पर किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।